Hello students, welcome back to our maths class. Now we are going to start exercise 10.2 NCERT maths class 7. Okay, so आज हमें पढ़ना है क्या? Construction of triangle. ठीक है, तो देखिए construction of triangle में हमारे पास 4 criteria होते हैं. कितने criteria होते हैं? 4 criteria होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा criteria होता है वो होता है हमारा side. मतलब अगर हमें किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स अगर गिवन है तब ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, साइड. मींस एक क्या करना है, हमें एक ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इन विच एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड 5 सेंटीमीटर एंड जेड एक्स इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो ऑल थ्री साइड्स हमें क्या है, गिवन है. ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन हम कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एक रफ स्केच तैयार करना है. रफ स्केच हम क्यों बनाएंगे यहाँ पर, ताकि हमें ये पता चल सके कि इसको एक्चुअल में हमें कैसे प्रोसीड करना है. राइट, तो देखिए कैसे करना है, एक ट्राइंगल बनाएंगे, इसमें एक्स वाई कितना है 4.5 सेंटीमीटर. सपोज ये हमने एक्स वाई बनाया, ये कितना हो जाएगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर. देन वाई जेड कितना है 5, तो ये वाई से जेड कितना होगा हमारा, ये 5 हो जाएगा. देन z से x कितना होगा 6, तो ये हमारा मिल जाएगा z से x, ये और कितना हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब इस डायग्राम को हम लेकर के और यहाँ पर प्रैक्टिकली इसको बनाएंगे. देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. तो बाय यूजिंग स्केल फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ लाइन इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. राइट, यहाँ से ड्रॉ कर देंगे इसको 4.5 सेंटीमीटर, हो जाएगा हमारा 4.5, ये थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, इसको रब कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा पूरा 4.5 सेंटीमीटर. ठीक है, इसका नाम हो जाएगा हमारे ये पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, x, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट y. राइट, अब देखिए y से z कितनी दूर है, 5 सेंटीमीटर. इट मींस हमें क्या करना होगा, y से एक आर्क कट करेंगे हम, कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का. तो हमें कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, Z पॉइंट मिल जाएगा, जो ना जो कितनी दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है. ठीक है, इसके बाद फिर हम कहाँ से कट करेंगे, X से. तो पहले हमें Y से करना है, ये हमने मेजर कर लिया, कंपास को ओपन कर लिया, कितना 5 सेंटीमीटर. राइट, अब हम क्या करेंगे, Y पर इसको पुट करेंगे और ये R कट कर देंगे. ठीक है, अब Z इस पर कहीं भी हो सकता है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, X से Z कितना दूर है हमारा, 6 सेंटीमीटर. तो अब इसमें हम कितना मेजर कर लेंगे, 6 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे. ओपन कर लो इसको कंपास को इस तरीके से, ये हमारा हुआ है 6 सेंटीमीटर. राइट, अब हम x पर पुट करेंगे टिप को. ठीक है, अब ये r हमने कट कर दिया. ठीक है, तो देखिए एक हमें क्या, इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला ये. ठीक है, तो यही पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा, पॉइंट z हो जाएगा. इसके बाद हमें क्या करना है, इनको जॉइंट कर देना है, y से z को जॉइंट कर देंगे. ठीक है, और Z से X को जॉइंट कर देंगे इस तरीके से. तो ये हमारा ट्राइंगल हो जाएगा XYZ. ठीक है, इनके मेजरमेंट लिख देंगे यहाँ पर, ये हमारा था 4.5 सेंटीमीटर, ये था 5 सेंटीमीटर, और ZX कितना था, 6 सेंटीमीटर. नाउ ओवर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर. अभी हमने पढ़ा के सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हमें ट्राइंगल की तीनों साइड दी हुई है. तो यहाँ पर तुमको एक साइड गिवन है, तो यहाँ पर तीन साइड कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये लिखा हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल. और हम ट्राइंगल के जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था तब हम उसमें जान चुके हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा वो ट्राइंगल होता है जिसमें उसकी सभी साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं. ठीक है, इट मीन्स इसकी हर एक साइड कितनी हो जाएगी, 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगी. तो इसका हम एक रफ डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए ये हो जाएगा 5.5, देन इसके बाद यहाँ से 5.5 का आर्क कट कर देंगे, फिर यहाँ से 5.5 का आर्क कट कर देंगे, तो ये हमारा एक कंप्लीट डायग्राम हो जाएगा. सपोज इसका नाम हमने दे दिया ए बी एंड सी. तो अब इस तरीके से इसको हम क्या कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे. देखिए कैसे करना है, सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, इसका मेजरमेंट कितना होगा, 5.5 सेंटीमीटर. राइट, स्केल लिया हमने और स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर. इसका नाम हो जाएगा ए और ये
बी ये पॉइंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 5.5 हमारा है यहाँ से बी से और 5.5 है ए से, तो दोनों से क्या करना है 5.5 का आर्क कट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, चाहे स्केल से मेजर कर सकते हैं हम या लाइन से भी डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, क्योंकि लाइन भी हमारी कितनी है 5.5 है, ये मेजर कर लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, बी पर पुट करेंगे कंपास को और एक आर्क कट कर देंगे यहाँ से, फिर सिमिलरली ए पर पुट करेंगे और ये आर्क कट कर देंगे इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें यहाँ पर मिला, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट सी। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, दोनों पॉइंट्स को, ए टू सी एंड बी टू सी। ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसमें हम क्या लिख देंगे, सबके मेजरमेंट लिख देंगे 5.5 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 5.5 है और ये भी हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।